9 जून को होने वाले भारत पाकिस्तान के मुकाबले से ठीक पहले बाबर आजम ने टीम इंडिया को धमकी भरे बयान दिए हैं। भारतीय टीम को लेकर बाबर आजम ने जो जुबान खोली है, सच में उसे सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। हालांकि बाबर आजम के बयान का मुंहतोड़ जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या ने जो बड़ी बात कही है, सच में उसे सुनने के बाद आप भी उन्हें दिल से सलाम करेंगे। तो आखिरकार बाबर आजम ने क्या बोला है और किस तरीके से हार्दिक पांड्या ने उनका दिया है जवाब, चलिए दिखाते हैं उसका पूरा वीडियो। हालांकि उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों 9 जून को इस साल का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की। इस मुकाबले का इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। एक बार फिर से दोनों ही टीमें एक दूसरे को हराने के मकसद से मैदान पर उतरेंगी। जाहिर सी बात है, टीम इंडिया अभी से ही मजबूत दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि भारत से डरकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने गीदड़ भभकी शुरू कर दी है। तभी तो उन्होंने टीम इंडिया को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद में सच में आपकी हंसी तो निकलेगी ही और साथ में खून भी खौल उठेगा। दरअसल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा, हमारे लिए ये वर्ल्ड कप शानदार होने वाला है। हमारी टीम पूरी तरीके से मजबूत है और हम हर डिपार्टमेंट में बेहतर खेल दिखाने वाले हैं। हमारे सभी खिलाड़ी वर्ल्ड कप को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और पूरी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हमें भी पता है 9 जून को हमारा सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है। हमारे सामने टीम इंडिया है। बेशक टीम इंडिया कागजों पर बेहद मजबूत नजर आ रही है, उनके पास हर डिपार्टमेंट में हर तरीके के खिलाड़ी हैं, पर इंशाल्लाह हमारी टीम भी बेहतरीन है। हम हर तरीके से बेहतर उन्हें टक्कर देने वाले हैं। कागजों पर मजबूत टीम इंडिया का पसीना हम मैदान में जरूर छुड़ाएंगे। दोस्तों बाबर आजम के इतना कहते ही पूरी दुनिया में जैसे आग सा लग गया। हार्दिक पांड्या को यह बात पची नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बड़ा ही हैरान करने वाला बयान दिया। हार्दिक पांड्या ने कहा, कौन किसे हराने वाला है ये तो मैदान पर पता चल जाएगा। उस दिन जो बेहतर खेल दिखाएगा वही टीम जीतने वाली है। पर हम इतना कह देते हैं, हमारा लक्ष्य केवल पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि हमारा लक्ष्य है वर्ल्ड कप जीतना। हम इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी एक टीम को हराकर कोई टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत लेती है। उसके लिए आपको हर एक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होता है। लोग केवल बोलते हैं, हम करके दिखाएंगे। इस बार हमारा एकमात्र फोकस है केवल वर्ल्ड कप जीतना, बाकी किसी भी चीज पर हम ध्यान नहीं दे रहे। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और पाकिस्तान की टीम की बेइज्जती करते हुए सीधे तौर पर ये बोल दिया है कि उनका फोकस पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड कप है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।